असल में मैं आपसे एक और चीज आ जा रहा हूं। हाँ बताइए। पेगासस वाले पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी की और उसने कहा है कि भाई ऐसे ऐसे जांच करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन वो सिर्फ सख्त टिप्पणी करके रह गए। उन्होंने जांच, अब बहुत से लोगों को भरोसा ये नहीं है कि उस जांच से कुछ निकलेगा। आपको क्या लगता है, उन्होंने कमेटी बना दी है और उसपे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है आई थिंक फ्रॉम व्हाट ये जो फसीला ने कहा वही बात एग्जैक्टली इसमें हुई है कि जो सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस थे उनको ज्यादा रीड कर लिया और उनके बेसिस पे ये रिपोर्टिंग्स हो गई। अब वो प्रॉब्लम ये है कि या तो सुप्रीम कोर्ट हैज टू एक्सरसाइज कॉशन इफ दे रियली मीन टू डू समथिंग, तो इनको ये करना चाहिए स्पष्ट कि इसको ऑर्डर का पार्ट बनाएं और कोई इसमें नुकसान नहीं था अगर ऑर्डर का पार्ट, जिससे कि अच्छा सर ये कोई बताने की बात नहीं है सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस को कि जो है ऑब्जर्वेशंस को टेक्निकली लाइटर तरीके से लिया जाएगा, मीडिया में और आम जनता में उसको ज्यादा सीरियसली लिया जाएगा। तो अगर वो वाकई में उनकी मंशा है कि वो उसको लागू कराना चाहते हैं और वो सीरियस कॉग्निसेंस ले रहे हैं पेगासस की, तो मेरा ख्याल उसको और पुख्ता बनाने के लिए जरूरी था कि सुप्रीम कोर्ट, और आज भी कर सकता है उसको, कि ये एम्फेसाइज करके कहे कि नहीं ये आपको करना है, क्योंकि जांच अगर खाली इस तरीके की होगी तो वो आई वॉश समझा जाएगा। और ये बहुत बार देखा गया है कि गवर्नमेंट्स जो हैं, चाहे स्टेट की गवर्नमेंट्स हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट्स हो, वो अपने को बचाने के लिए कोई ना कोई एस्केप रूट ढूंढ लेती हैं। और इनवेरियबली मेरा तो ये भी मानना है कि जब जब भी रिटायर्ड जजेस को अपॉइंट किया जाता है किसी भी कमीशन में या इंक्वायरी कमीशन में, तो उसमें ज्यादातर ऐसे लोगों को अपॉइंट किया जाता है जो सरकार की बात सुन लेते हैं, मतलब जो हैं वो अमेनेबल हैं, उनको वो प्लायबल हैं। बिल्कुल सीधी बात कह रहा हूं मैं, इसमें कोई गलत बात नहीं। और मेरे पास क्लासिक एग्जाम्पल्स हैं उत्तर प्रदेश के, जहां जब जब रिटायर्ड जज को अपॉइंट किया 90% केसेस में टेलर मेड रिपोर्ट आई, जो सरकार चाहती थी और जो सरकार एम्फसाइज कर रही थी वही रिपोर्ट आई। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट की अगर दिल से मंशा है, जो कि दिखता है आज के टाइम में जिस तरह सुप्रीम कोर्ट चीजों की कॉग्निसेंस लेता है पिछले काफी वर्षों से, जिसको बीच में जुडिशियल एक्टिविज्म भी कहा जा रहा था, मुझे तो लगता है कि बहुत अच्छी बात थी वो, जो भी ये थी अगर है इस तरीके की। और इसको अगर, क्योंकि जब जब लेजिस्लेचर बिगड़ चुका है, एग्जीक्यूटिव बहुत करप्ट हो चुकी है, तो ये जुडिशरी का दायित्व बनता है कि वो सिस्टम को ठीक करने के लिए, सुधारने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलाने के लिए अपना दखल दे, दखल अंदाजी करे, और लेकिन खाली दखल अंदाजी ना करे, एंश्योर करे कि उसको लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाने के। मैं एक छोटा सा प्रश्न करके मैं दारापुरी साहब के पास आ रहा हूं। शरद भाई एक चीज बताइए, पेगासस में अजीब सा आपको नहीं लगता है, फ्रांस ने जिसने घूस दिया उसके यहां जांच इतने दिन पहले शुरू हो गई, जिसने घूस लिया उसने सारे हथकंडे अपनाए कि ये जांच ना हो पाए। अब वो चूंकि देखिए यही तो विडंबना है, यही कॉन्ट्रडिक्शन है। और हम इंडिया में बहुत देखते हैं, यहाँ घूस लेना घूस देना इतना आम चलन हो गया है कि गवर्नमेंट में किसी भी लेवल पर जो है उसको, उससे कहने के तो बहुत कुछ बोलते हैं उसके खिलाफ, लेकिन करने को जब आता है तो सब हाथ पीछे कर लेते हैं। और मैं तो खुद इस तरीके के लोगों से, मैंने पर्सनल लेवल पे भी काफी जंग करी है, सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया है, अपील करी है, और उसमें जब आपको ये वेट करना पड़ता है कि जज कैसा है और जज कौन है, उस पर डिपेंड करता है कि क्या होगा आपका लड़ाई भ्रष्टाचार की लड़ाई के खिलाफ। तो जब जब अच्छे जजेस हैं और ईमानदार अपराइट जजेस हैं, तो उनको इसमें मेरा ख्याल और स्ट्रॉन्गर एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए, जिस क्योंकि वो जानते हैं कमियां सिस्टम की और वो ही उन्हीं के इंटरवेंशन से ये सुधर सकता है, वरना सिनेरियो बहुत डिसिल्यूजनमेंट वाला है। मैं शरद भाई एक चीज आपसे समझना चाह रहा था। आपको अगर इफ यू रिमेम्बर अरुण जेटली साहब का एक स्टेटमेंट था, मैं एग्जैक्ट नहीं है, उसका मतलब था यू मे नॉट नो द लॉ बट यू मस्ट नो द लॉ मिनिस्टर, कुछ इस तरह की बात एक बार उन्होंने कही ओह थी। माय गॉड। हाँ, अरुण अरुण जेटली इज ऑन रिकॉर्ड टेलिंग दिस की। मैं उसी संदर्भ में कह रहा हूं कि अभी एक एक मामला हुआ है जो जो ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो डायरेक्टर साहब है मिश्रा जी, he was made director in 2018, his term October 2018, उनका टर्म नवंबर 2020 में एक साल के लिए बढ़ाया गया, वो टर्म 2 ही साल का होता है।
पीपुल केम अगेंस्ट दैट एक्सटेंशन टू सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट गेव अ वर्डिक्ट कि भाई ये अभी अभी सितंबर में वर्डिक्ट दिया कि नहीं ये आप यहाँ नहीं आ सकते, एक साल एक्सटेंशन ठीक है बट ही कैनॉट बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड वन ईयर. नाउ कल जो ऑर्डिनेंस आया है सेंट्रल गवर्नमेंट का, दैट ऑर्डिनेंस संडे को निकाला गया कि एक्सटेंशन कैन बी फॉर 3 years वन ईयर एट अ टाइम. मतलब वन ईयर एट अ टाइम एक्सटेंशन कैन बी फॉर मोर देन द डेट. एंड दिस इज जस्ट टू मैनेज दिस जेंटलमैन आईपीएस साहब हैं, ये 84 बैच के अगर मैं गलत नहीं तो. ओके नाउ what I'm trying to say is if they are circumvent, they are not ready to listen to Supreme Court. Supreme Court ke judgment ko bhi nahi maan rahe hain, ordinance le aa rahe hain, to aapko sharma bhai kya hoga, kahan jayenge? Bhai mera to manna hai ki already democratic values to bahut pehle hi trample kar di gayi thi, daba di gayi. Ab shayad agar yahi ravaiya chala to thode dino mein democracy bhi hat jayegi. जिस तरीके से चल रहा है सिलसिला उसमें बड़ा एविडेंट है कि कोई भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस एक्सेप्टेबल नहीं है. और सुप्रीम कोर्ट का मतलब कोई किसी तरीके का दखल नहीं कि आई मी एंड माई सेल्फ. और ये जो है टोटलिटेरियन रेजीम जिसे कहते हैं वो अगर बनती जा रही है तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है. और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हमारा ऑपोजिशन इतना कमजोर है जिसकी वजह से वो ज्यादा स्ट्रांग है. तो मुझे कभी कभी लगता है कि हमारा अपोजिशन ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है हम लोगों को इस स्टेज तक पहुंचा देने के लिए. और मैं तो बहुत साल पहले भी पिछले कई वर्षों से मैं कह रहा हूं कि हमें बार बार ऐसा लगता है कि क्या हम उस तरफ जा रहे हैं जिस तरह जर्मनी हुआ करता था 30s में. अगर वो डायरेक्शन है तो इट्स अ वेरी सीरियस थिंग बिकॉज वहां पे भी इसी तरीके के नैरेटिव्स फ्लोट करे जाते थे. इनटॉलरेंस बहुत ज्यादा थी और आज इनटॉलरेंस हमारे यहाँ तो इतनी ज्यादा हो गई कि हमारी बात आपको माननी है, इससे दाएं बाएं नहीं होना. और जो हमने कह दिया दैट इज द लॉ, दैट इज द लॉ. तो दिस इज अ वेरी सीरियस ट्रेंड जो लोगों को भी एहसास नहीं हो रहा है. जो भक्त लोग हैं इस सिस्टम के उनको नहीं लगता, उनको लगता है वाह वाह वो इसी तरीके की पूजा करने के लिए कल्ट जो क्रिएट हो गया है. व्हेनेवर दिस यू हैव समबडी ऑफ अ कल्ट नेचर दिस काइंड ऑफ इनटॉलरेंस ग्रोज and it leads to serious repercussions, very serious repercussions. Sharad bhai, ek cheez main isse thoda hat ke pooch le raha hu kyunki hum log basic cheezon ki baat kar rahe hain. Main Darapuri sahab ke paas aa raha hu, usse pehle jaise abhi kya ho gaya hai ki Amit Shah sahab aaye Uttar Pradesh mein, ab wo aate rahenge, ab to bahut jaldi jaldi aayenge kyunki ab to aate hi rahenge. उन्होंने कल एक कहीं बताया कि राम जो थे उन्होंने भरत को भेज, अच्छा उन्होंने भरत को भेज दिया रावण के पास. अच्छा बाकी चीजों में मुझे दिक्कत नहीं है, ये स्लिप ऑफ टंग आपसे भी हो सकता है, मुझसे भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है. लेकिन अगर आपसे स्लिप ऑफ टंग हो रहा है तो मैं आपसे कहूंगा शरद भाई वो भरत नहीं लक्ष्मण. आप कहेंगे हाँ हाँ भाई वो ठीक है याद आ गया. किसी की हिम्मत नहीं हुई वहां ये कहने की और हिम्मत सबको ताली बजानी, क्योंकि अगर मैं ताली नहीं बजाऊंगा तो मुझे वहां से बाहर निकाल दिया जाएगा, तो NSA लग जाएगा, सेडिशन का केस हो जाएगा. चलो भाई मैं ये भी समझना चाह रहा हूँ, जो हम लोग कह रहे हैं सर भाई आप भी कह रहे हैं बिल्कुल मैं मानता हूँ. आज सुबह एक सेशन किया जहाँ पे ये माना गया कि इट इज द ऑपोजिशन विच इज द रूट कॉज जो जिसने इस गति में पहुंचा दिया है देश को. लेकिन हम और आप एज अ सिटीजन, आप इंडिया से हट जाइए, क्या करें ऐसी ऐसी स्थिति जहाँ पे. मेरे ख्याल देखिए इस तरीके के फोरम्स को जिंदा रखना पड़ेगा जहाँ आवाज उठा सके. दारापुरी साहब हर रजीम में लड़ते रहे हैं, अब मैं उनको बड़ा एडमायर करता हूँ इसीलिए कि हिम्मत चाहिए सच बोलने की. और सच बोलना है एट ऑल कॉस्ट जो बहुत जरूरी है. प्रॉब्लम इसी की हो गई है कि आज की डेट में मीडिया इतना ज्यादा अंडर प्रेशर है, या तो बिक चुका है या अंडर प्रेशर है, दोनों चीजें हैं खुलेआम है. और इतना ज्यादा है कि एक ही नैरेटिव चलता है और वो भक्ति का नैरेटिव है. वो आप चलाइए तो आप बहुत खुश रहेंगे. दूसरे जो लोग हैं आप देख लीजिए जितने कितने सारे बड़े बड़े एंकर्स थे जो दंके की चोट पे बात करते थे, सबको धीमे धीमे मीडिया से, मेन स्ट्रीम मीडिया से बाहर कर दिया. नतीजा ये हुआ कि जो है उनको बाहर जाके ढूंढना पड़ा. लकीली एक चीज हुई है जो अच्छी, वो यूट्यूब और इसकी वजह से, जो सोशल मीडिया की वजह से, जहां इस तरीके के लोग अब सच को जिंदा रखने के लिए अभी भी कायम हैं और लड़ रहे हैं
और उनको सल्यूट करने वाली बात है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि इस तरह के फोरम्स अलाइव रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कम से कम कुछ इससे एक रे ऑफ होप है कि शायद एक स्टेज आए। और बाकी तो यही दुआ करिए कि ऑपोजिशन और इम्प्रूव हो अपनी लड़ाई में, क्योंकि दुर्भाग्य हमारे यहाँ ये है कि ऑपोजिशन भी अपनी कमियां दूर नहीं करता है। नतीजा ये है कि मैं इसलिए ब्लेम करता हूँ ऑपोजिशन को कि क्या जिस स्थिति में आज हम चले गए हैं, वो अगर ऑपोजिशन मजबूत होता और अपनी बात मजबूती से रखता और सच के बेसिस पे रखता तो आज ये स्थिति नहीं होती। लेकिन ये अपनी लड़ाई इनको मेंटेन रखनी है। मैं यूपी में देख रहा हूँ कि अभी भी ऑपोजिशन इस रूप में नहीं आ पाया है, इस गेयर में नहीं आ पाया है कि इनको अच्छी तरह चुनौती दे सके। और जो ये बोलते हैं उसी को सच माना जाता है, चाहे वो कितना भी सच से परे हो, क्योंकि नैरेटिव इनके पास बम्बार्डमेंट करने का जो तरीका है कि अपने बात से जो हम कहना चाहते हैं उसका हम इस कदर बम्बार्डमेंट करते हैं कि आप अपने सच को भूल के झूठ को भी सच मानने लगते हैं।